यार पांडे, ये डोगा माई का लाल कौन है? ये जरूर उस राकेश यादव के घर का नाम होगा। ये राकेश यादव कौन है? और वैसे भाई साहब, डोगा के अंदर का बाहर का दोनों का नाम डोगा है, हैं? अब क्या बताए, 9 साल से ग्रहण बनकर बैठा है हमारी गुड्डी के जीवन पे। 9 साल से? मतलब 10 साल की उम्र से इश्क करता है वेदिका से? हम तो समझे थे कि कोचिंग क्लास में। कोचिंग क्लास? भाई साहब, डोगा क्यों जाने लगा कोचिंग क्लास? वो साला तो अकेले पूरे लखनऊ की क्लास ले ले। वो तपस्या ने तो बताया था कि वो उसी कोचिंग क्लास में पढ़ता है। अब ये तपस्या कौन है? अभिनव के बॉस की कोई नोन है। हाँ। बड़ी मदद कर रही बेचारी उसकी। अरे ये वही लड़की तो नहीं है जिसको मैंने अभिनव के साथ देखा था इनोवा में? ये तुमने अलग आतंक बचा कर रखा पांडे, हमारी औलादों को इसके उसके साथ गाड़ियों में देखते हो तभी खबर क्यों नहीं करते? बताइए, डोगा तो फिर भी वेदिका को शादी के पहले से जानता है, इनका अभिनव तो शादी के बाद लिए घूम रहा है किसी तपस्या को। देखिए बहन जी, जबान संभाल के बोलिए। हाँ, हमारा बेटा नहीं भागा है, आपकी सुपुत्री हवाओं ही है वो राकेश यादव के साथ। ये साला राकेश यादव कौन है? अरे मैं कह रहा हूँ, डोगा को देखा था गुंडी के साथ जीप में। ये लीजिए, ये लोग तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी बेटी भागी किसके साथ है, और आए बड़े हमारे चिंटू पे इल्जाम लगाने। भाई साहब, अपनी पत्नी को संभालिए, नहीं तो अरे हम कुछ बोल रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो मर्जी बोले जाए। भाई साहब आप शांत हो जाइए, घंटा शांत हो जाइए। अरे हम निकाल रहे हैं ना समस्या का समाधान। अरे समस्या की सारी जड़ तो तुम हो, सब कुछ जानते हो, भी रिश्ता तय कर दिया। 3 साल में आज आपको समस्या दिख रही है? अरे तो इनकी बेटी भी तो 3 साल बाद ही भागी है। हाँ तो आपके चिंटू ने भी 3 साल बाद ही दिखाया तपस्या का फल। अरे डोगा और तपस्या की ऐसी की तैसी, ये साला राकेश यादव कौन है?